नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का वीडियो पेट की परेशानियों जैसे गैस, अपच, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सभी तरह की गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के बारे में रहेगा। साथ ही कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी जानकारी दूंगी। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए चर्चा आगे शुरू करती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स अपनी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स लेकर आते हैं और सभी के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। इतने तरह के सिम्टम्स होते हैं गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को गैस बहुत बनती है, कोई कहता है अगर गैस हो जाती है तो सिर में दर्द होता है, चक्कर आने लग जाते हैं या हार्ट पेन शुरू हो जाता है, कोई कहता है हमें नाभि से ऊपर की तरफ या कलेजे की तरफ दर्द होता है, या कोई कहता है हमें नाभि से नीचे यानी लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, कोई राइट साइडेड पेन बताता है, कोई लेफ्ट साइडेड पेन बताता है, किसी को खट्टी डकारें आती है खाना खाने के बाद, अपचन हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, कोई कहता है कि खाना खाते ही फ्रेश होने जाना पड़ता है, या कोई कहता है कि हमें खट्टी डकारें आती है, खाना वापस गले तक आ जाता है डकार के साथ ही। तो इस तरह से बहुत सारे पेशेंट अलग अलग तरह के सिम्टम्स बताते हैं और होम्योपैथी में हर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन भी चेंज हो जाती है। होम्योपैथी की कुछ बेसिक मेडिसिंस हैं जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में अगर ये सारे सिम्टम्स मैच होते हैं और ये मेडिसिन पेशेंट लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो मेडिसिन है लाइकोपोडियम, कार्बोवेज और चाइना। ये तीन मेडिसिन जिनके सिम्टम्स बहुत अलग अलग हैं पर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में अगर ये मेडिसिन सिम्टम्स मैच होने पर हम देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले बात करूँगी होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम में पेशेंट को भूख नहीं लगती, अगर वो खाना खाएगा भी तो थोड़ा सा खाना खाते ही उसका पेट बहुत भर जाता है, उसको खाना पचता नहीं है, अपचन रहती है, उसको ऐसा लगता है पेट में गैस घूम रही है, ऊपर की तरफ पेट में दर्द होता है, दर्द वाले हिस्से को अगर वो दबाता है, प्रेशर देता है उस पोर्शन पे तो उसको आराम मिलता है, को लगता है पेट बहुत भर गया है, वीक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, खाना पचता नहीं है, डिस्पेप्सिया जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में, उसको ऐसा फील होता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, डकारें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, गैस इतनी ज़्यादा हो गई है कि गैस की वजह से पेट में ऊपर की तरफ दर्द होता है। लाइकोपोडियम के पेशेंट को राइट साइडेड पेन, कलेजे की तरफ दर्द हो रहा है ऐसा लगता है, यानी लीवर में पेन हो रहा है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के कारण राइट साइडेड पेन और बैक साइड तक जाता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं और लाइकोपोडियम दिया जाए तो पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कार्बोवेज। जैसा मैंने बताया था लाइकोपोडियम के पेशेंट को राइट साइडेड पेन, कलेजे की तरफ दर्द हो रहा है ऐसा लगता है, यानी लीवर में पेन हो रहा है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के कारण राइट साइडेड पेन और बैक साइड तक जाता है। लेकिन कार्बोवेज के पेशेंट में ऐसा नहीं होता। कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है उसको मिडिल साइड में, सेंटर में पेट में दर्द होता है, खाना खाने के बाद उसको अपचन इस तरह की होती है कि सॉर इरेक्टेशन यानी कि खट्टी डकारें आती हैं। वैसे खाना खाने के बाद डकारें आना एक नॉर्मल सिम्टम होता है, लेकिन पेशेंट को जब खट्टी डकारें आती हैं या गले तक भी डकार आने के बाद ऐसा लगता है खाना ऊपर आ रहा है तो ये कार्बोवेज का मेन सिम्टम है। अगर पुराना खाना खा लिया या बाहर का कुछ खा लिया या बदहजमी हो रही कि पेट फूल जाता है, गैस उसको इतना फील होता है कि गैस भर गई है और सांस तक नहीं लिया जा रहा, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट भी होने लग जाता है उसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की वजह से। कार्बोवेज के पेशेंट को इस लेवल की एसिडिटी होती है कि जब भी वो डकार लेता है तो ऐसा लगता है कि एसिड उसके फूड पाइप यानी भोजन नली में आ गया है, इस लेवल का एसिड उसके गले तक आ जाता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाता है और खाना बैक फ्लो हो रहा है उसका, ऐसे सेंसेशन भी कार्बोवेज के पेशेंट को रहते हैं, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है चाइना। लाइकोपोडियम में और कार्बोवेज में पेशेंट को डकार लेने से आराम मिलता था, पर चाइना में पेशेंट को डकार लेने से भी आराम नहीं मिलेगा और गैस पास करने पर भी उसको आराम नहीं मिलेगा, लोअर अपडोमन पेन रहेगा, उसको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होगा, खाना खाने के बाद खाना पचेगा नहीं और अपचन इस लेवल का बढ़ जाता है कि उसको नौजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में लूज मोशंस भी शुरू हो जाते हैं। जब वो मोशन पास करता है तो मोशन में झाग या चिकना या चिपचिपा मोशन पास होता है, वॉमिटिंग, नौजिया, जी मचलाना या उल्टी आना, ये सारे सिम्टम्स चाइना में पेशेंट को फील होते हैं। अगर ये सारे ही सिम्टम्स हैं तो हम चाइना दे सकते हैं।
गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए होम्योपैथी की एक मेडिसिन गैस्ट्रोबिन आती है, 10-10 स्पून दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जो बहुत तरह के सिम्टम्स अगर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो आप गैस्ट्रोबिन भी लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह की गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट रहती है और हम किस तरह से मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करके DM करके अपने सिम्टम्स की डिटेल्स अगर मुझे देते हैं, तो अगर कोई भी मेडिसिन आपको सूट होती है वो मेडिसिन मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी। किस तरीके से वो मेडिसिन लेनी है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।